भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल प्रदेश में एनजीटी के निर्देशों के अनुसार मंडी जिला प्रशासन ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। इसके अंतर्गत मंडी प्रशासन ने नगर परिषद सुंदरनगर में 100 ई रिक्शा चलाने का निर्णय लिया है। वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ये पहल होगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर परिवहन विभाग इनका पंजीकरण करेगा। वही नगर निगम मंडी व नगर परिषद सुंदरनगर में डंप पड़े कचरे का भी जल्द निपटारा होगा। पीट एनजीटी के निर्देशों की अनुपालना में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता एडीसी मंडी जतिन लाल ने की। जो एनजीटी के द्वारा दी गई गाइडलाइंस है उसके ऊपर काफ़ी विचार विमर्श किया और कई आदेश दिए, जिसमें मेनली हमने सबसे पहले दिया जो हमारा लेगेसी बेस्ड है, जो हमारा मंडी कॉरपोरेशन में और जो हमारा सुंदरनगर एमसी में काफ़ी पड़ा है। तो आज ये हमारे जो ईओज हैं और जो हमारे कमिश्नर हैं उनके जो स्टाफ हैं उनको ये हिदायत दिया गया कि इस लेगेसी वेस्ट को ख़त्म जल्द से जल्द किया जाए और जो डेली कैपेसिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ताकि आने वाले टाइम में लेगेसी वेस्ट को ख़त्म किया जा सके। और जो डेली हमारा जो होती है पोल्यूशन की, जो हमारे सॉलिड वेस्ट की जो डिस्पोजल है उसको इम्प्रूव किया जाए। उसके अलावा हमने सारे डिपार्टमेंट्स को ये हिदायत दी है कि जो हमारे चलान होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएँ। जो भी लोग हमारे इसमें, जो व्यक्ति जो रूल्स को नहीं फॉलो करते हैं और जो भी ज़्यादा पोल्यूशन कॉजिंग है, जो जिनकी पोल्यूशन कंट्रोल में नहीं होते व्हीकल्स की, या जो ओवरलोडेड व्हीकल हैं, या जो तूड़ी वगैरह लेकर रोड पे बिना ढके चलते हैं, उन सारे व्हीकल्स के ज़्यादा से ज़्यादा चालान किए जाएं, ताकि हमारे जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो सके और पोल्यूशन कम की जा सके। उज्ज्वल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। विश्वसनीयता का प्रतीक बुढ़ामल ज्वेलर पालमपुर।